अपने एक दोस्त और साथी की याद में जमा हुए हैं जिसने नौजवानी ही में दुनिया को बदलने का ख्वाब देखा, एक ऐसे माशरे का ख्वाब जो तबकाती कश्मकश से माफरा हो और इस फौज की तकमील के लिए हर उस सियासी, समाजी और इल्मी सर तहरीकों के सरकर्दा का रहनुमा या रुकन रहे जिसने पिछले हुए तबकों के लिए आवाज़ उठाई। उनकी इस सफर का आगाज जो NSF से शुरू हुआ, वो फिर नौजवान महाज, कम्युनिस्ट पार्टी, कौमी मजदूर महाज, संघर्ष और इंतखा तक फैला हुआ है। जब इनकी सेहत ने इजाज़त ना दी कि वो अमली तौर पर सरगर्म रहें, तब भी वो जलसे जुलूस में की कोशिश करते थे कि वहाँ शरीक रहें और इनकी हलवालों से हमेशा इंतखा के प्रोग्रामों में साथ रहे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में उनसे इर्तका से उनकी गहरी वाबस्तगी रही। जो भी उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी की में इजलास होते थे, वो कोशिश करते थे कि उसमें बाकायदगी से शरीक हों। इसी तरह जो हमारे हर महीने जो प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे भी उनकी नासादी तबा के बावजूद भी कोशिश होती थी कि वो उसमें शरीक हों। और मुझे याद है कि वो तेज़ी से 2 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस प्रोग्रामों में शरीक होते थे। उनके लिए देर तक बैठना मुश्किल भी होता था, लेकिन वो प्रोग्राम के आखिर तक शामिल रहते। और इसी तरह जो हमारे प्रोग्राम हुआ करते थे, उनकी तैयारी में उन मशावरों के सिलसिले में उनकी हमेशा राय शामिल रहती। मेरा इंतकाल से उनसे ताल्लुक है, उनके बारे में जो उनका सुना है लोगों से कि और उनसे खुद भी सुना कि वो कितने ज़्यादा सरगर्म रहे थे और अपनी नौजवानी में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ रही। लेकिन जो मेरा और उनका साथ शुरू हुआ, वो इर्तका के प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ, जो कि 7-8 साल के अरसे पर मुहित है। वहाँ हमेशा जब भी कोई हमें चीज़ों के प्रोग्राम्स के हवाले से फैसले करने होते थे कि इर्तका में किस मौजू के ऊपर प्रोग्राम रखा जाए, कौन सा भी इस हवा अभी के हवाले से कौन सा मौजू ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो उसमें उनकी हमेशा राय होती थी कि किन अफराद को बुलाया जाए। उसमें भी वो हमेशा हमारे साथ होते थे, यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंटेशन होती थी या उनकी एक एडिटिंग की सलाहियत या लैंग्वेज में जो कमांड थी बहुत अच्छी थी। तो हम लोग जब इस तरह के आते थे कि बुकलेट करना है या बुकलेट पब्लिश करना है या दूसरे इस तरह के काम करना है, तो हमेशा उन्हीं का ख्याल आता था कि इस सिलसिले में वो हमारे बहुत मददगार और मामिल हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी हम नजायज़ शख्सियत जो हमें थी और अब हमें नहीं है, लेकिन उनकी यादें मुख्तलिफ हवालों से हैं। यहाँ पे उनके उस वक्त के दोस्त भी मौजूद हैं जो नौजवानी में उनके साथ की दहाई में उनके साथ शामिल हुए। उनमें उनके वो दोस्त भी शामिल हैं जो बाद की आने वाली तहरीकों में उनके साथ शामिल हुए, इर्तका के साथी भी हैं। और सबसे बड़ी कि उनकी फैमिली के लोग, उनके घर के लोग जो हैं, उनकी अहलिया, उनके बच्चे, उनकी बहन, ये लोग भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। और उस हवाले से हम चाहेंगे कि आज जो है कुछ यादें ताज़ा करें उनके दोस्तों और घर के अफराद के साथ, उनके हवाले से बातें की जाएं और वो एक अच्छी याद के साथ रहें। और उन्होंने जिस सोच के साथ तहरीकों का साथ दिया था और उनका जो जो ख्वाहिश थी कि ये तहरीकें या मजबूत तबकों के लिए काम को आगे बढ़ाया जाए, उसमें हम लोग आगे बढ़ते रहें। इसमें उनका खास उनका दिलचस्पी ये भी थी कि नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शरीक हों, और इसलिए वो इजलासों में हमेशा यही इनका जोर होता था कि हम तुलबा को इसमें शामिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा तुलबा शामिल हो, नौजवान नस्ल शामिल हो, तभी कोई तहरीक जो है वो आगे बढ़ सकती है। सिर्फ पुराने लोगों के साथ नहीं बल्कि इस कारवान में नए खून शामिल होने का बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि इर्तका के प्लेटफॉर्म से और दूसरी तमाम समाजी तहरीकों के साथ इर्तका अपना साथ निभाता रहे, और जो जज्बा उनके साथ था, उनके साथियों ने जो उठाया था 60 की दिहाई में, वो उसका उस कारवान का हिस्सा बनते हुए हम उनको आगे ले जा सकें। मैं अब दावत की करीम दुरानी साहब को, जो उनके बहुत पुराने साथी, 60 की दिहाई से उनका ताल्लुक रहा जब वो NSF में थे और अब इर्तका में भी उनके साथ शामिल रहे, उनको दावत की कि वो प्रोग्राम की निजामत है। साल का साथ था 53 66 में
मैं गवर्नमेंट कॉलेज में बाद में मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर अली आवाज वहाँ पर बी एस सी कहने से मौजूद थे। उनकी अपनी एक स्ट्रगल थी, छोटी सी छोटी क्या है उस जमाने में नया नया बना था आसियाबाद में प्रीमियर साइंस कॉलेज, ये उसकी अमीन थोड़ी सी कम हो जाती है आपसे। एक जद्दोजहद थी कि कॉमन कॉलेज से बी एस सी की क्लासेस जो हैं वो सुपीरियर साइंस कॉलेज आसिफाबाद में मुंतकिल कर दी जाए। फर्स्ट ईयर हो चुका था, उस बैच के लोगों का मुतालबा ये था कि हमें अपना बैचलर यहीं पर कंप्लीट करने दिया जाए। ज़रा इसकी उस वक्त के तालब इलम जो हैं वो बात पर आते नहीं थे कि वो आसिफाबाद जाए, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामाबाद में वहीं पर उनका सेशन कंप्लीट। एडमिनिस्ट्रेशन मानने को तैयार नहीं थी, अली आवाज ने एक स्ट्रगल शुरू की। मैं शरारती लड़का थे, बैच में था और काफ़ी एक्टिव था। एक दिन मेरे दो दोस्त आए अबू दस्तार और हैदराबाद, उन्होंने कहा कि वो अली आवाज उनसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा उनको यहाँ भेज, हम अपने जोर में थे वो बहर एन एस एस से मेरा ताल्लुक पहले बन गया था मैट्रिक से। और ये हुआ कि मुमताज बेकरी आज इस वक्त होते तो बहुत अच्छा लगता, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज नालबाग के 1966 में जो यूनिट था उसको बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मैं चूँकि एन एस एफ में था सर और एन एस एफ में आए, फिर ये तय हुआ कि अली आवाज को जो है प्रेजेंट के लिए जो है वो इलेक्शन में जो है वो कॉन्टेस्ट करवाया जाएगा। बस वो दिन मतलब 1966 की गवर्नमेंट कॉलेज की यूनियन की कैंपेन, वहाँ से मेरा अली आवाज का एक दोस्ताना रिश्ता शुरू हुआ जो 53 सालों पर हुई है और जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनके साथ जो आपकी यादें होती हैं, उनके साथ आपने जो भी किया होता है वो बहुत अहम होता है, वो बहुत अहम होता है। और मुझे यकीन है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ उनके आखिरी वक्त तक सफ़र करेगा, ये रास्ते में कहीं रुकने वाला नहीं है। बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं जो बात करना चाहेंगे ये और पर उनके साथ दिन अखबार में उन्होंने काम किया या आपकी फैमिली के लोग उनके हवाले से कोई बात करना चाहेंगे। मैं अपनी बात को यहाँ पर मुख्तसर करता हूँ और मैं लोगों को नजीम साहब से बात करूँगा कि इस मजमे से जो दोस्त गुफ्तगू करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें ताकि फिर हम एक एक करके उनसे जो कहीं ये बात करें। कोशिश करें कि 4-5 मिनट से ज़्यादा ना हो ताकि सब लोगों को बोलने का मौका मिले। इसमें एक ये भी है कि कोई दोस्त जो कि यहाँ नहीं आ सकते थे उन्होंने लिख करके भेजा है, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी तहरीरें जो वो भी हम पढ़कर सुना सकें। अजय सर तो देखिए आप प्लीज़ कौन कौन लोग बात करना चाहते हैं उनके नाम लेकर आप पहुँचा दें। इसमें अगर हम इसको इस तरह से शुरू करें कि हमारे एक और बहुत अच्छे दोस्त हिम्मत कामरान, हिम्मत कामरान इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उन्होंने अली आवाज के हवाले से तहरीर में वो देखिए, मैं चाहूँगा कि उस तहरीर से हम जो है सिलसिले को शुरू करें। हिम्मत कामरान साहब की तहरीर जो है बाद के बाद है तो बात की जाएगी। ये सब की खबर एक तारजाना से जुड़ी, ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कनें
सारे लोगों के लिए तो मेरा रहनुमा मेरा कायद मेरा रहनुमा मेरा कायद और बचपन से चला गया 40 बरस के साथ जो कभी बहुत कम लगता है हमारे बहुत सारे दोस्तों का या उनके साथ इससे भी बहुत ज़्यादा पुराना साथ है लेकिन कभी मेरा था यावर के साथ ये गुजरा वक्त बहुत तवील लग रहा है। एक फिल्म थी मुस्तकिल चल रही है 40 साल पहले वो दिन आज भी इसी तरह याद है जब गवर्नमेंट का इनामाबाद में मुझे इब्न हैदर ने पहली बार यावर से मतलब बुलाया था। इब्न हैदर जिसने पहली बार इस तहरीक में लाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा था इसके बाद मैंने अली यावर के साथ कभी पलट के ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो चुकी थी। NSF मौजूदा महाज कौमी मंजूर महाज महाना मशहूर आवामी जजिया कमेटी अवामी महाज एक तवील सिलसिला है जिसमें यावर का मुस्तकिल साथ रहा। बाद में कई बार कई महीनों हम साथ रहे साथ सोए साथ उठे साथ नाश्ता किया दिन भर साथ काम किया या मुताला किया बारीक बारीक साथी जुजियात पर घंटों को जोश बहस की साथ खाना खाया और रातों को साथ देर तक जागा और कई बार साथ ही मिलता पर सोया जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना के लिए। इन दोनों हमारा मशहूर तसव्वुर जाना मुल्क में इंकलाब का तसव्वुर था हकीकी मजदूर किसान राज लाने के तसव्वुर था सर 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 पाँच चक्कर था कराची घोटी मुल्तान फैसलाबाद जगतपुर लाहौर तलागंज पिंडी खानेवाल मुल्तान पेशावर मालागंज कहाँ कहाँ जावर के साथ रहा शौक इस दहशत मुझसे को कि जहाँ जावर एक सराता एहतजाज था इस माशरे के नाइंसाफियों और जुल्म के खिलाफ इस माशरे के कुचले हुए मेहनतों के अपनी रोटी और रोजी कमाने वालों का तो इनका हक ना मिलने के खिलाफ लाखों बच्चों को रोज रात को भूखा पेट चलाने वालों के खिलाफ चंद हफ्ते पहले यावर के मेरी आखिरी मुलाकात में भी जब उसके अज़ा बहुत कमज़ोर हो चुके थे और आवाज़ बहुत हल्की तब भी इसका जुनून तवाना से आने वाले दिनों में मैंने हालात में तब्दीली और मुल्क में इंकलाब के इकड़ान पर मेरी राय सुनना चाहता था। कुछ देर बाद के मैं बहुत धुंधला दी गया यावर भाई बात बहुत तवील हो जाएगी आप आराम करें फिर बात करेंगे मुझको पता नहीं था कि बात इतनी लंबी हो जाएगी। किसी को पता नहीं था मैं ख्वाहिश मंदू के डॉक्टर नसीर खान से बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त बात शुरू हुई है उस वक्त की जो गवर्नमेंट वाले इलाहाबाद में डॉक्टर नसीर अलिया से भी सीनियर और उस वक्त से हमारा ताल्लुक जो है NSF का उसके बाद जो नहीं है उन्होंने मंगा तो मैं उनसे हम्बल ले रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर नसीर जो है वो आए मैं
तहरीक तरीके से अपनी तहरीक को देते रहे और मैं उनकी आज भी याद है, उनसे हमारा रास्ता टूट चुका है लेकिन हम यकीन उनकी तहरीक को जो है आगे की तरफ रखेंगे। धन्यवाद। जिस नुक नज़र जिस सोच के हमें हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, नौजवान हों हमसे ज़्यादा उम्र के हों हमारे साथ के हों, उनका ये अटूट जो जो ताल्लुक है ये उस नजरे की वजह से, और शायद ये एक तरह से ब्लेसिंग है कि इतनी तवील सफाकतें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो तस्वीर के साथ चली चली जा रही है, और यही हमारा मेरे ख्याल में हासिल ज़िंदगी का हासिल है। जिस जिस सोच के लिए हम काम करते हैं, जिस सोच के लिए हम काम करते हैं, वो हमारे ताल्लुक ऐसे बना देते हैं जिसमें दिल के रूप में बात करता है। आप मौजूद रहें, नसीब बात कर रहे थे, मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं सफिया बानों से कहूँगा तो वो अबुल हसनात की लिखी हुई जगह के वो बयान कर दें। अबुल हसनात का ताल्लुक जो है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामाबाद से था, मैंने और मजमान ने एक ही दिन एडमिशन लिया था गवर्नमेंट कॉलेज में, एक ही मोहल्ले फैजाबाद में रहते थे और हमारी सरगर्मियाँ एक ही, वो शरीफ आदमी निकले मैं शरीफ आदमी नहीं था, वो बार बार में इटर रेटर में लड़ते लड़ाते रहते हैं बात हो गए, उन्होंने लिख दिया है आ नहीं सकते तबीयत की खराबी की वजह से, या तो मैं सफिया से कहूँगा कि बात उनकी कहती है और अपनी अपनी राय के लोगों से जब मैंने सफिया